क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी एंड सिमिलरिटी टूल। तो होमोलॉजी और सिमिलरिटी फाइंड आउट करने के लिए ब्लास्ट यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ईयर द स्विस प्रोट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस बिगेन। तो ये स्टार्ट हुआ था 1987 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ़ द फॉलोइंग साइंटिस्ट क्रिएटेड द फर्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस। तो फर्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस डिज़ाइन किया था डे होफ ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर, द ह्यूमन जीनोम कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ़ द फॉलोइंग टूल इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोटिफ। तो मोटिफ प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का कोई स्मॉलर रीजन होते हैं जो कि यूनिक बायोलॉजिकल या केमिकल बॉन्डिंग रखते हैं, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कॉपिया टूल यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सर्वर एक्सपासी वाज इन द ईयर। तो ये स्टार्ट हुआ था 1993 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज़ द डेपोजिशन ऑफ cDNA इनटू एन इनर्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो इसको हम नाम देते हैं DNA माइक्रो अरेज का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स थ्रू जीनोमिक स्टडी इज़ कॉल्ड। तो इसको हम नाम देते हैं फार्माकोजिनोमिक्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फार्माकोजिनोमिक्स इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ टू बिकम ड्रग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेड को ड्रग के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर टेन, प्रोटियोमिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ। तो प्रोटियोमिक्स कहते हैं इंटायर सेट ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन्स इन द सेल। इसको अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे प्रोटियोमिक्स का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीनोम मैपिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, द कंप्यूटेशनल मेथडोलॉजी दैट ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट मैचिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अ रिसेप्टर एंड लाइगेंड आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर डॉकिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज यूज इन ड्रग डिज़ाइनिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज इन डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल आर एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म इन विट्रो इज़ द लैटिन वर्ड विच रिफर्स टू। तो इन विट्रो का मतलब होता है विद इन द ग्लास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टेप वाइज मैथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर साइंस इज नॉन एज एल्गोरिदम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म बायो इन्फॉर्मेटिक्स वॉज कॉइंड बाय। तो सबसे पहले बायो इन्फॉर्मेटिक्स की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था पॉलिन हॉजविग ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, द लेबॉरेटरी वर्क यूजिंग कंप्यूटर्स एंड एसोसिएटेड विद वेब बेस्ड एनालिसिस जनरली ऑनलाइन इज रिफर्ड एज इन सिलिको। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कि अगर हम कंप्यूटर की असिस्टेंस से कोई वेब बेस्ड एनालिसिस करते हैं ऑनलाइन तो इसको इन सिलिको कहते हैं, अगर ऑफलाइन करेंगे तो फिर उसको हम नाम देंगे ड्राई लैब का। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट कंप्लीटेड एंड पब्लिश्ड जीनोम सीक्वेंस। तो सबसे पहले 5174 फेज वायरस की सीक्वेंस जीनोमिक सीक्वेंस को पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, द लेबॉरेटरी वर्क यूजिंग कंप्यूटर एंड कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल जनरली ऑफलाइन। तो अब यहाँ ऑफलाइन पूछा गया है तो इसको हम नाम देंगे ड्राई लैब का, और अगर ऑनलाइन पूछा जाता तो फिर हम इसको नाम देते इन सिलिको का। क्वेश्चन नंबर 20,
कंप्यूटर सिमुलेशन रेफर्स टू द कंप्यूटर की हेल्प से कोई वर्क करना, इसको हम नाम देते हैं इन सिलिको का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।